नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। हम लोग ना डेली बदल बदल के कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे हम लोगों ने कल आरोग्य वर्धनी पे चर्चा किया था, तो आज हम केश टेकिंग पे चर्चा करेंगे। आज केवल केश टेकिंग, फिर बीच में हम लोग कभी कुछ और करेंगे, कभी कुछ और करेंगे। एक ही पैटर्न में करेंगे ना, कि केवल कल्प कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का बात कल अधूरा रह गया था। ठीक है, मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो डॉक्टर रीना जी आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर गीता जी, रीना जी अगर सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके बताइए अपना अनुभव कुछ। गीता जी आप कैसी हैं? डॉक्टर मुनीश शर्मा जी अगर सुन पा रही हैं कुछ अपना, कैसे पेशेंट देखे वो तो बताइए आपने, दो तीन दिन में कैसे, एक हफ्ते में कैसे पेशेंट देखे? सर मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको बहुत डिस्मेनोरिया की कंप्लेन थी, जब भी उसको मेंसेस आते थे सब तभी बहुत सीवियर पेन उसको रहता था, और एडिनोमायसिस भी सर उसके अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट था उसमें था। तो उसको सर हमने वस्ती स्टार्ट किया, अनुवासन और सहचरादि तेल से अनुवासन वस्ती और दशमूल की निरुवस्ती सर स्टार्ट की। अभी इस बार वो पेशेंट का मतलब वो काफी जगह से ट्रीटमेंट ले चुकी थी, अभी वो पेशेंट का आया कॉल, मुझे आज कॉल आया कि इस बार मुझे पेन नहीं हुआ सर, मतलब ऐसा कोई पेन नहीं है कि मुझे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है, एक फीलिंग है, अदरवाइज पेन नहीं है। नहीं तो वो पिछले दो साल से सर ट्रीटमेंट्स ले रही थी काफी जगह से। जी जी, तो सर ये काफी अच्छा अनुभव है। और एक सर मेरे पास ANC पेशेंट है, तो उसका 8 मंथ कम्प्लीट हो चुका है। उसको काफी सर सीवियर पेन बीच में था, उसको लेग्स में पेन था, और उसको सर हमने जो है क्योंकि कंप्लीट हो गया सर फुल टर्म है, तो हमने उसको वस्ती स्टार्ट की थी सर सहचरादि की, तो उसका भी एक अच्छा वो था। अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया, उसका भी सर पेन रिलीव हो गया। अच्छा, तो एक अच्छा अनुभव है सर। जी जी सर, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है आपका? थैंक यू गीता मैम, आप ऐसे सक्सेस स्टोरीज बताएंगेगा। जी जी सर, सर थैंक यू आपका बहुत सर। नस्य के बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं बहुत सारे पेशेंट्स में। आप किसका नस्य देती हैं? सर क्षीर बला का सबसे ज्यादा सर, अनु तेल क्षीर बला। और कितना मात्रा में देती हैं नस्य? सर आपसे सीखा, नहीं तो पहले हम लोग 4 ड्रॉप से मतलब 2 से स्टार्ट करके 10 ड्रॉप्स तक देते थे। हमारे इधर नॉर्थ में तो कोई
ज्यादा नहीं देता, पर आपने जैसे सिखाया सर, तो अभी तो 15 15 ml 10 10 ml ऐसे हम नस्य दे रहे हैं सर, और उसमें जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स सर नस्य के हमें मिल रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में, इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में और जॉइंट पेन वाले पेशेंट्स में भी, जिनको सर जो क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो उनका सर उनके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं सर नस्य के भी साथ में ना, जो ऑरल मेडिकेशन पर हैं पेशेंट और जो हमारे पास रेगुलर नहीं आ रहे, तो हम उनको नस्य ही एडवाइस कर रहे हैं सर जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, सब पेशेंट को ठीक करते रहिए, आपका बहुत नाम होने वाला है। थैंक यू सर। सर सब आपका सर जो ज्ञान आप दे रहे हैं सर, मैं बीच में आ नहीं पाती बहुत बार, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली में भी डिस्टर्बेंस होगी, ऐसा करके ऑन नहीं करते ऑडियो, और शाम को कभी पेशेंट होते हैं, लेकिन सर आप जो सिखा रहे हैं सर उसका पूरा प्रभाव हमारी जो प्रैक्टिस है सर उसके ऊपर आ रहा है, तो पहले से प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो गई है सर। थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसे ही करते रहिए जी, हम आपके साथ में हैं जी। जी ठीक है, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? मिश्रा जी, फरीदाबाद के मिश्रा जी। हाँ सर, प्रणाम सर। अभी वो पेशेंट है क्या अभी? कौन? वो अरुण जी शीत पित्त वाले जो आप कल दिखा रहे थे सर, वो तो अभी नहीं है। अच्छा, आप कुछ खा रहे हैं? अचार रोटी खा रहे हैं क्या? नहीं सर, पूरनपुड़ी खा रहा था। पूरनपुड़ी? अच्छा, वहाँ भी बनता है पूरनपुड़ी सर? सब जगह बनता है जी। ठीक है, आप खा लीजिए, फिर बात करिएगा। हाँ सर, अभी। ठीक है, डॉक्टर रमेश गौतम जी आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम आपकी मैम भी आ रही है, गुरदेश कौर मैम। मैम सर फेसबुक पे आती है ना सर, आज भी आई हुई थी, फेसबुक पे आपका लेक्चर सुन रहे थे सर वो। जी जी बताइए सर। हाँ जी सर, सर एक पेशेंट है, उसने ज्वाइन किया हुआ है एक्चुअली, उसको रेटिनाइटिस हो गया है सर सीएमवी के कारण। वैसे उसको नॉन होजकिन लिम्फोमा डिटेक्ट हुआ था 2014 में। अच्छा। तो उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसको 2016 में ये सीएमवी रेटिनाइटिस हो गया साइटोमेगालो वायरस के कारण। तो अब वो क्या चला जो आई साइट है वो काफी, ट्रीटमेंट तो सर उन्होंने यही दिया था, स्टीरोइड वगैरह दिया था, तो वो कह रहे थे कि और तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा बस लड़का। उनका नाम क्या है? उन्होंने सर ज्वाइन किया हुआ है सर इसके रवि शंकर के नाम से, करिए रवि शंकर। तो इनको बोलिए कि वीडियो ऑन करें। हाँ सर, ऑडियो ऑन मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी रवि, ऑडियो ऑन करिए अपना। जी सर, मैंने ऑन कर लिया ऑडियो। ऑन किया, वीडियो नहीं ऑन किए? वीडियो भी ऑन किए रवि जी, कर लिया सर उसने वीडियो भी ऑन जी। हाँ, ये सर ये आगे जी। इनका कोई केस टेकिंग करेंगे? शशि तिवारी मैम आप हैं क्या? कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप केस टेकिंग करेंगी क्या? सर अभी किचन में हूँ, फिर सर डिस्टर्बेंस बड़ी है। विनीता चौहान जी आप केस टेकिंग करेंगी? कौन फ्री है अभी? डॉक्टर मंगला जी कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। हाँ सर, प्रणाम सर जी। प्रणाम। नाम क्या है बेटा आपका? रविशंकर। हेलो हेलो, मेरा नाम रविशंकर है। उनका हैंग हो रहा है शायद, नहीं उनको ही बोलने दो ना सर। हेलो हेलो हेलो, नाम क्या है आपका बेटा? हेलो रविशंकर। हेलो, उम्र क्या है आपकी? 21। हेलो 21, ओके। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ जी। मैं अभी कौन से क्लास में पढ़ते हो? हाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन, ओके। अभी आपको आपको क्या तकलीफ है? मेरी विजन बहुत पुअर विजन है, विजन बहुत कम है। हेलो, आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ बोलिए ना, तकलीफ क्या है आपको? मेरा राइट आई विजन बहुत ज्यादा कम है। कब से कम हो रहा है? कितने दिन से?
2018 से। अच्छा तो उसके पहले अच्छा था क्या? जी उससे पहले से एकदम अच्छा था। क्या 2016 से एकदम अच्छा था, उसके बाद सीएमवी रेटिनाइटिस के कारण आई का विजन धीरे धीरे कम होने लग गया। अच्छा धीरे धीरे कम हो गया जी। और आपका जो गैजेट है वो उसका यूज ज्यादा है क्या, मोबाइल व्हाट्सएप ये नहीं वो सीएमवी रेटिनाइटिस वायरस है उसके कारण ही मुझे ज्यादा दिक्कत हुआ है, वो उसके कारण तो नहीं, फोन लैपटॉप वगैरह यूज करने के कारण। अच्छा कभी कभी आपको चिकन बॉक्स वगैरह हुआ था बचपन में? जी हुआ था। कब हुआ था? 2016 में तो हुआ नानी में, 2016 में हुआ है। 2017 में हुआ है, 2017 में। ओके और बाकी और कुछ प्रॉब्लम? मैं जाता हूँ इनके घर एक बार, पहन के जा रहा हूँ। सही है आप कुछ कोई और कुछ पूछ सकते हैं? नहीं बस मेरी विजन बहुत ज्यादा राइट आई की कम है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके तो बस बस कोई नहीं है। पूरा ठीक हो जाएंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, सर मुझे कुछ पूछना है सर इस केस में। आप पूछिए पूछिए। हाँ ये बताओ कि आपकी जो विजन है वो डे मतलब हर रोज कम हो रही है कि एकदम ही अचानक कम हो गई? धीरे धीरे कम हो रही है मतलब। और कितने सालों से नोट कर मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे जो है कि कोई एक्टिविटी के बाद ज्यादा लगता है कम हो गई है, जैसे सुबह आप पार्क में जाएं या फ्रेश प्लांट्स को देखें तो आपको लगे कि नहीं थोड़ा बेटर है, ऐसा कुछ डिफरेंस लगता है? शाम को विजन कम होने लगती है जब सूर्यास्त के बाद। ओके ओके। और खाने में जो है जो आप खाना खाते हैं उसका थोड़ा डिटेल बताइए। चावल और रात को वही रोटी सब्जी। ठीक है और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है डॉक्टर रमेश। हाँ जी सर। सर इनको पहले नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी ट्रीटमेंट ली थी ना इनकी, जिस बाद इनको ये हो गया था रेटिनाइटिस, उसके बाद ही जो उसकी ट्रीटमेंट चली थी तो इसकी बच्चे की इम्यूनिटी सफर की होगी, तो उसके बाद ये सीएमवी वायरस आई में, तो उसके बाद इसको ये हो गया था सर रेटिनाइटिस, सीएमवी रेटिनाइटिस। ठीक है और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। डॉक्टर रमेश गौतम जी आप सुन पा रहे हैं क्या? रमेश जी डॉक्टर रमेश सर, सुन पा रहा हूं सर। हाँ आपने क्या क्या ट्रीटमेंट शुरू किया है? अभी तो सर मैंने कुछ नहीं, अभी ये आ गया है सर मेरे पास तो मैंने कुछ शुरू किया है। सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है ना सर, आप एक काम करिए रमेश गौतम जी इनके सारे रिपोर्ट ग्रुप में भेज दीजिए, एक बार देख के फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है पेशेंट को लीव करा देते हैं, पेशेंट को लीव करा देते हैं, हम बाद में बात करेंगे, पूरा रिपोर्ट देख के फिर बात करेंगे। ठीक है थैंक यू। ठीक है हाँ अब आगे कौन बताना चाहता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? यस सर। हाँ जी हाँ जी बोल। प्रणाम सर। प्रणाम। वीडियो ऑन करिए, आप तो अंधेरे में हैं। स्टॉप कर लिया सर, हमारे यहाँ लाइट गया हुआ है इधर। अच्छा अच्छा तो वीडियो ऑन करें एक मिनट सर, मैं अपने भाई का केस के आपसे डिस्कस करना है सर। वीडियो ऑन करिए। हरी बेटा कारोना आंटी
वीडियो ऑन करना है, ध्यान के होगा स्टार्ट में। नहीं तो लाइट आने दीजिए सर, लाइट आने के बाद बात करेंगे, कुछ दिखाई नहीं। थोड़ा लाइट आ गया, आ गया कार बेटा, हो गया हो गया। हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। आ रही है सर? हाँ आ रही है आवाज। मेरा छोटा भाई हैरी बेटा, लाइट इतने कर दो। अब मेरे से छोटा भाई है, इसका 92 में ना हाथ दिखा देते थे, 92 में इसका एक्सीडेंट हो गया था पावर प्रेस में। ये सर इसका हाथ है, चार उंगल कट गया था ये। अच्छा, देखो जी जी। उसके बाद इसके 3 बार नाक के, वो जब ऑपरेशन करने में यंगी था, 20 साल के करीब होगा उस टाइम, तो दवाइयां जो तेज दी उसकी वजह से इसका नाक का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है सर, पॉलिप का जी। तो दिखा लिखे आप कागज देखिए सारा कुछ। तो इसके बाद इस दवाइयां, गलत दवाइयां बहुत खाई, एलोपैथी जो जहां भी जो बोलता है, एलर्जी टेस्ट करवाओ वो। और अब इसको जुकाम बहुत रहता है, और इसका भी देते हैं, मोटापा बहुत है, इसको सांस फूलता है सर, और रात को नींद नहीं आती इसको, नाक में मांस बड़ा हुआ। और एक दो पॉजिटिव बात भी बताता हूँ, मेरी मदर को पहले से नींद, अच्छा बंद कर दे, मेरी मदर को नींद पहले से बढ़िया आना लगा है सर। थोड़ा सा कब्ज की शिकायत रहती है, और पेशाब भी थोड़ा थोड़ा कम आता है। बाकी ये इकबाल सिंह है मेरा ब्रदर, इधर मार दे लाइट, इधर मारना दिखू तां अपना, जा दिखा दे अपना हाथ, दिखाओ पूरे दिखाओ। हेलो सर जी। हैरी तेरा नहीं बनती नहीं गल यार। हाल सर आ रहा है इधर ना लुधियाना में, हमारे एरिया में लाइट बंद है थोड़ा सा। अच्छा तो सर थोड़ा लाइट आ जाने दीजिए, फिर बात करेंगे। चलो मतलब दोबारा कर लेंगे हम कोशिश, जब लाइट आएगी, लाइट आएगी तो हम केस टेकिंग करेंगे। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ आप रहिए तब तक। हाँ मैं सर हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर मोनिका मैम, आप मुंबई में हैं तो कैसा लग रहा है आपको मुंबई? डॉक्टर अच्छा सर। आप कौन से एरिया में हैं मुंबई के? सर मैं एयरपोर्ट के पास ही हूँ, आईबिस में। तो माधुरी मैम भी उधर ही हैं, कंचन मैम भी उधर ही हैं मुंबई में। अच्छा हाँ जी सर। खाना खाइए आप? नहीं सर, मैं अभी खाऊंगी सर बस। ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए, और आपका महाराष्ट्र में स्वागत है। अगर आप पुणे में आ सकते हैं तो कल आ जाइए पुणे। मैम कहा हो आप इधर आने का, नहीं तो कांदिवली आने का आप यहाँ? नहीं एक्चुअली कल मेरी मेरा ना लोअर परेल में एक मीटिंग है, तो पूरा दिन लग जाएगा वहां पे, और शाम को फिर फ्लाइट है वापस की, तो कहीं निकलना तो नहीं हो पाएगा। अदरवाइज तो इधर वेस्टर्न लाइन कांदिवली में मैं रहती हूँ, चार को आती तो आपको फिर इधर रहने को आने का नहीं। जरूर 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 मैम, जरूर मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, कोई अभी बोले बोलना नहीं चाहते। आकांक्षा मैम आप खाना खा रही हैं क्या? नहीं सर बना रही हूँ। बना रही हैं? अच्छा, सर बताइए। आपके भाई साहब का इलाज शुरू किया आपने? सर भाई साहब का इलाज अभी, उन लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए इसलिए मैंने अभी नहीं बोला है, और सीधा फिर सर पंचकर्म और बाकी शुद्धि से स्टार्ट करना है, तो अभी 1 महीने का और उनको टाइम देना है मुझको, क्योंकि अभी अभी उन लोगों को बहुत ज्यादा गैप हुआ था, तो अभी वो लोग जॉब ज्वाइन किए हैं, तो इन बिटवीन मैं सर कराऊंगी। अच्छा, ये विश्ववती जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय का जो काम शुरू है हिंदी वाला, तो वो आपने करवाया क्या? आपने बोला उन लोगों को? नहीं सर, इनिशिएट तो कोल्हापुर में ही लिया गया था, लेकिन वो राहुल सर के थ्रू मेरे तक मैसेज पहुंचा कि आप इसको थोड़ा सा लीड करिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ पाए, और ट्रांसलेशन होके ये भारत ग्रुप में काफी वैद्यों तक पहुंच पाए, हमारे सर के जो भी आर्टिकल्स हैं, और इवन बाकी लोग जो वैद्य लोग हैं उनके भी जो आर्टिकल्स हैं, तो मैंने मेरे मुझसे जो हो पड़ा वो मेरे पास जो ग्रुप्स थे मैंने उसमें शेयर किया, तो काफी लोग इनिशिएट होके आ गया है कि हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। डॉक्टर राहुल शेलार जी की बात कर रही हैं आप? जी जी सर। हाँ हाँ
वो मेरे तो फिर सर से बात हुई। अच्छा, फिर सर से बात हुई और काफी अच्छा हम लोगों का एक ग्रुप बन गया और उसमें काफी लोग हैं अब। तो सर के जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमको दो दो दिन पे एक आर्टिकल मिलता है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसको ट्रांसलेट करके वो भारत ग्रुप में सारे वैद्यों तक पहुंचा पाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी माता जी कैसी है? डॉक्टर नवजोत कौर मैम सुन पा रही है क्या? हेलो। हाँ जी सर, माता जी ऐसे ही हैं, सुस्त हैं सर। मैं आपकी बात करवाती हूँ, कोशिश करती हूँ एक मिनट। ठीक है, नहीं तो आप टाइम ले लीजिए, तब तक हम और अश्विनी जी से बात करते हैं। डॉक्टर अश्विनी जी, आपके भाई साहब कैसे हैं? करूँगी कल। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, वीडियो ऑन करिए, आपकी माता जी से बात करेंगे। हाँ जी। किसी को पंजाबी आती है तो कृपया मैम इनके इनसे बात करिए। पंजाबी किसको आती है? मुझे तो नहीं आती है सर। हिंदी में कर लीजिए, हिंदी में बोल लेंगे। अपने रमन गर्ग जी नहीं है, पवन जी भी नहीं है आज। मोनिका मैम आप सर हिंदी में बोल लीजिए। हाँ जी। सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल बेटा डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल। हाँ जी, क्या हुआ माता जी आपको? डाउन लग रहे हो आज बहुत, क्या हो गया आपको? बस कुछ दिन से तबीयत ऐसे ढीली ढीली रहने लगी, यानी मेरे को ना थोड़ा सा सर्वाइकल की ट्रबल होने से जब चलती फिरती थी तो लगता था कि गिर ना जाऊं, चक्कर आ रहा सिर को। मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया, ये सोचूं कि कहीं फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं। जी। तो खाना खुराक तो वैसे शुरू से ही थोड़ा खाती हूँ, 3 टाइम नहीं खाती। तो पहली मेडिसिन जो थी उससे मेरा पेट भी साफ रहने लगा, जो अंदर एसिडिटी बनती थी सारा दिन फूड पाइप में जल, वो तो सब ठीक हुआ। मैंने वो 10 दिन बाती भी ली, उससे अब भी मेरा पेट किसी दिन हो जाए कॉन्स्टिपेशन वैसे साफ हो जाता है, पर पता नहीं मेरे को वीकनेस महसूस होने लग गई बॉडी में। भूख तो मैंने इसी उससे कि चलो जब भूख लगेगी तो खाऊंगी, तो अब जब भूख नहीं लगती फिर नहीं खाती, रात को कभी दिल नहीं करता, बीच में दोपहर को भी नहीं करता था, अब अगर दोपहर का खा लूं तो रात को नहीं खा सकती। कभी खिचड़ी या दलिया वगैरह ले लेती हूँ रात में, पर ज्यादातर दिल नहीं करता जी। पेट माता जी एक बार में ठीक साफ हो रहा है ना जी? पेट एक ही बार में ठीक से साफ हो रहा है ना? पेट साफ हो रहा है, किसी किसी दिन जरा हार्ड पोटली आ जाती है पर फिर ठीक भी हो जाता है अगले दिन। पता नहीं ये वीकनेस या डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेरा, थोड़ा ही खाती हूँ नहीं इतना उठा सकता कि खाई जाऊं, वैसे भी मेरी नेचर नहीं है, तो पता नहीं क्या बात मेरे को कमजोरी आने लग पड़ी है। कमजोरी फील करते हैं मैम थोड़ा ना, काफी मतलब लगता है कि मन भी थोड़ा डाउन सा है। मैम उनको नस्ते दीजिए ना, वो चक्कर वगैरह आता है तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम। मैम आम बात देना पड़ेगा मेरे ख्याल से इनको, क्योंकि इनका डाइजेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैम मैम आम पाचक वटी और रस पाचक दे रही हूँ दो दो, बट दो ही दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा लेने से फिर थोड़ा वो पित्त के सिम्टम्स आ जाते थे आम पाचक लेने से, ज्यादा लेने से। अभी 2 BD दे रही हूँ, 2 tablets। नस्या चालू है मैम? नस्या उनको दे रहे हैं? नस्या तो दे रही हूँ शीर बला ऑयल का। सर से पूछे नहीं तो वो लघु मालिनी वसंत या कुछ ऐसा दे सकते हैं क्या? वसंत मैंने बताया था, स्वर्ण मालिनी वसंत देना चाहिए। उस दिन कह रहे थे मम्मी के नहीं लेना, अब मैं दे देती हूँ, वो शुरू कर देती हूँ सर। नहीं तो वो आप दूध पापेश्वर का सांवला खिला दीजिए ना। अच्छा जी ठीक है, सांवला च्यवनप्राश खिला देंगे, ताकत आ जाएगी इनको एक महीने में। सर मानस मित्र वटक भी अच्छा काम करेगा ना? हाँ जी सर, वो भी ले रहे हैं, मोवे पे भी करेगा और स्वर्ण भी है जी। वो तो दे रही हूँ ऑलमोस्ट हो गए 20-25 दिन, बीडी 1 tablet BD। ओके तो ये स्वर्ण मालिनी वसंत से मैं देखी मैम,
थोड़ा सा रसायन दे दीजिए कोई भी, तो उसमें सांवला खाने में टेस्टी लगता है, तो वो देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, वो मैं ले आती हूँ। हाँ, और आपकी माता जी कितनी अच्छी हैं, मतलब आपको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना मेहनत किया। हाँ जी बिल्कुल, पर सर भैया थोड़ा थोड़ा ना, जैसे अभी जूसी फ्रूट्स आ रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी देंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए, नहीं सर? जैसे तरबूज वगैरह आ रहा है यहाँ पे अभी ना, मेलन, वाटरमेलन, ऐसी चीजें देंगे तो भी अच्छा रहेगा, लाइट भी रहेगा और इजीली डाइजेस्टेबल, बाउल को भी अच्छा करेगा और जूस है जल्दी से एसिमिलेट भी होगा। हाँ जी ठीक है मैम, वो भी इंट्रोड्यूस। सर आप क्या बोलते हैं इसमें? हाँ बराबर है, जो ऋतु फल होते हैं ना, सीजनल फ्रूट्स, जी बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर साहब उम्र भी तो अब मेरी इतनी हो गई है। उम्र क्या, आप क्या बुढ़ी हो गई क्या? अभी तो आपको 100 साल आराम से जीना है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इतने झूलते हुए नहीं चल सकूंगी डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं, हम आपको झूलते हुए तो नहीं चलाएंगे। मेरा जन्म मध्य प्रदेश का है, जब महाराष्ट्र भी नहीं था, बरार था पार्टीशन के पहले, तब तो मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी जब पार्टीशन हुई है, तो मेरी उधर यानी जैसे मध्य प्रदेश में खुराक थी, पंजाब में आके मैंने धीरे धीरे एडजस्ट तो कर लिया अपने आप को, पर मैं हैवी खुराक शुरू से, मेरे को गाल ब्लैडर में भी स्टोन्स थे, वो रिमूव हुआ, इसलिए मैं बचकर धीरे धीरे खाना हल्का ही मेरे को हजम होता है। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे घी देना चाहिए मम्मी को कि नहीं खाने में? घी देना चाहिए ना, गाय का घी 2-2 चम्मच से शुरू कर दीजिए। सर नहीं लेते ना, जब मैं डालती हूँ तो फिर कहते हैं मेरे को डाइजेस्ट कैसे होएगा बैठे बैठे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी सर, बैठे बैठे चावल में डाल दीजिए ना, रोटी को लगाइए बस थोड़ा सा। ठीक है मैम, वो तो लगाती हूँ, चपाती को तो लगाती हूँ, दाल में 2 चम्मच। हाँ जी, एक सर आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हायर साइड आया 280, वैसे पहले भी थोड़ा इतना रहता था, तो बीच में फिर डॉक्टर ने जैसे वो स्टेटिन वगैरह देते रहे, बट अब 1.5 साल से नहीं ले रहे हैं, तो अभी वो आपने बताया था उस दिन AKT देने के लिए। हाँ। बट अभी ले नहीं रहे हैं, कहते हैं नहीं अभी नहीं लेना है। थोड़ा इनका माइंड अच्छा होने दीजिए, इनको थोड़ा भूख वगैरह लगने दीजिए, फिर दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। मम्मी और कोई गल पूछनी? बस इतनी ही है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स मैम जी। आंटी जी खुश रहो थोड़ा जा जी, मन नू अपने मन नू ना थोड़ा जा ताकत दो, एदा नहीं जी नहीं छोड़ीदा। मैं यही सोच रही हूँ कि इतनी उम्र हो गई है, अब क्या करूंगी बताओ, कि कितनी ताकत आएगी, बैठे रहूं कुछ काम धाम ना करूं तो खाना नहीं हजम होगा, चल फिर नहीं सकती। नवजोत मैम इनके सर्वाइकल पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको चक्कर आने बंद होंगे ना तो ये उठ के चलना शुरू करेंगे, है ना? हाँ जी मैम, ठीक है। एक मैम आजकल ना राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं जैसे, तो वो अच्छा, सारा अच्छा। दिन मेरे को एक, वो भी वैसे तो चेयर टेबल पे बैठते हैं, बट दिन में जैसे थोड़ा बाहर बैठ गए बरामदे में या ऐसे, तो चेयर में नीचे अपने लैप पे रख के लिखना, वो भी एक कॉज है, थोड़े दिन से मैं नोटिस तो कर रही हूँ, बट थोड़ा सा मैं अभी माइंड को ही कंसिडर करके मना नहीं कर रही, क्योंकि मना करूंगी तो वो थोड़ा ना पापा के बारे में लिख रहे हैं, तो एक तो ये फैक्टर है कि पोस्चर उसमें गड़बड़ है, दूसरा ये है कि एक पास्ट की थॉट्स में है और सॉरोफुल है, और लिखते हैं फिर उसको पढ़ते हैं फिर थोड़ा करेक्शन करते हैं, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज से इनको निकालूं, बट फोर्सफुली नहीं, अभी थोड़ा धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। जी जी जी, ये एक मतलब थोड़ा कंटिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यूस काउंसलिंग आपको करते रहना पड़ेगा। हाँ जी मैम, नहीं करते हैं सिस्टर्स है मेरी बड़ी, वो भी करती हैं इनको थोड़ा। और आपकी सिस्टर का ट्रीटमेंट आपने नहीं दिया क्या? वो जो सर उसने किया है अभी शुरू, 2-3 दिन पहले आई थी लेके गई है, उसे मैंने अभी आम पाचक और रस रक्त पाचक शुरू किया था, जैसे आपने बताया था उसे वात रक्त का, मैंने कहा 10 दिन खाओ फिर उसके बाद देखती हूँ उसे बस्ती वगैरह का कैसे बताऊंगी। जी अभी लेके तो गई है, कहती मैं पूरा फॉलो करूंगी डाइट प्लान वगैरह। जी ठीक है, फिर बताइएगा।
हाँ जी हाँ जी, माता जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सर, आजकल पर मायूस है ये देख के मेरे को भी अच्छा नहीं लगता थोड़ा, बट इनको निकालना है इस चीज से ना। हाँ जी हाँ जी, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक्स, थैंक यू। डॉक्टर विकास जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर सर, इनका जो मानस दोष वो तो दिख ही रहा है, रस छय भी तो कुछ लग रहा है। हाँ रस छय पर भी रस पाचक दिया जाए तो भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। सिंपल गन्ने का रस पिला दिया जाए तो वो भी रस पे काम करेगा। देख सर, तो रस पाचक भी दे रही हूँ, महीना तो हो गया, एक महीने से दे रही हूँ रस पाचक 2 BD। वैसे ठीक थे बस्ती देने के बाद भी, काफी अच्छा था ये ना कुछ थोड़े दिनों से। एक तो मेरे को जो ये राइटिंग वाला फैक्टर लग रहा है ना वो भी एक कॉज है इसका, क्योंकि मैं हर समय देखती हूँ ना घर में, तो उस वजह से थोड़ा ये थॉट ऐसे हो गए थोड़े सोरोफुल से, वो इस चीज से इनको निकालते हैं किसी तरीके से ना, फिर थोड़े ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? भट्ट साहब, अंजना मैम भी आ गई हैं। हाँ सर नमस्कार। हाँ प्रणाम, बताइए। सर ये मैडम की जो माता जी हैं इनको मतलब क्या भूख नहीं लग रही, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सब ठीक है, वो डिप्रेशन में थोड़ा अंकल की याद आ रही है, उनकी डेथ हो गई ना इसलिए वो ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा जी ठीक, ऐसे कोई बड़ा बीमारी नहीं है, सब ठीक है, वो ऐसे हो जाता है ना अकेलापन महसूस होता है। जी 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 ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए अपने केसेस, किसी का कोई अनुभव है, सक्सेस स्टोरीज है या कुछ है तो बताइए आप लोग। बहुत सारे लोग सुनने आते हैं, बताना नहीं चाहते हैं अपना ज्ञान। हाँ जी प्रणाम बताइए। सर मुझे बताना था, मेरा वो पेशेंट था ना जो फाइब्रोएडिनोमा का था। हाँ। उसका हमने स्टार्टिंग में किया था तो उसको काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा था, बट अभी उसने जो है मुझे 2-3 दिन पहले फोन किया कि उसको पेन बढ़ गया है। अच्छा। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे, कितना सेंटीमीटर कितना क्या है, वो सब डिटेल में बताइए ना फिर मैं बताऊंगा। अच्छा एक्चुअली सेंटीमीटर तो सर अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये है कि उसको काफी, जैसे आपने मुझे बताया था कि गंडमाला कंडन रस है, रस पाचक है और कांचनार गुगुल, और साथ में आपने एरेंट पत्र और शिग्रु पत्र के साथ स्वेदन करने के लिए बोला था, पत्र पोटली बोला था करने के लिए जी। तो सर वो मैंने कराया, उससे उसको काफी रिलीफ था, मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी। बट अभी वो 3 दिन पहले उसका कॉल आया तो मैं भी सोच रही थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सारे तो हो गए उससे भी, कुछ तो खाने पीने में अभिसंधी पदार्थ खा रही होंगी, दही खा रही होंगी या फिर खा के दिन में सो रही होंगी। हाँ ये पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि और साथ में जस्ट बिकॉज कि क्योंकि वो अपने घर के फैमिली मेंबर से भी दूर है तो थोड़ा मतलब डिप्रेशन टाइप में भी थी वो, कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे दिल्ली में रहना पड़ रहा है उसको, वो शी वाज विलिंग टू गो टू असम की है बेसिकली वो, तो उसमें वो थोड़ा था, तो मुझे यही था कि वो जो ट्रीटमेंट है वही रखूं कि उसमें क्या वही ट्रीटमेंट रखिए, अगर रिपोर्ट्स है तो वो थोड़ा शेयर कर देंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर, वो मैं कर देती हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू। कभी कभी ट्रीटमेंट सही रहता है लेकिन कुछ और कॉज की वजह से ये ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको और अच्छे से देखना चाहिए। राइट सर, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अंजना मैम आपका कोई नया एक्सपीरियंस होगा तो बताइएगा, कुछ आप लोग सोचिए तब तक। गंगवार सर आप कैसे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए सर। गंगवार सर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। शशि तिवारी मैम सर, मैं अभी थोड़ी देर में रहता पेशेंट देख रहा हूं सर, एक बात करता हूं। ठीक है। डॉक्टर शशि तिवारी मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर नलिनी मैम कोई नया अनुभव होगा तो बताइए कृपया। डॉक्टर एमवी सुशील सर प्रणाम। सर प्रणाम, बताइए आपका कुछ अनुभव। सर कोई अभी पेशेंट आया नहीं सर। आएंगे बताइएगा जी सर। ठीक है, डॉक्टर सुशील सर, एमवी सुशील सर आप कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे। डॉक्टर श्वेता सोलगी मैम, डॉक्टर मुकेश साहू जी कोई एक्सपीरियंस बताइए। डॉक्टर स्मिता जी,
डॉक्टर गौरव कुमार जी, डॉक्टर नमस्ते सर। हाँ जी, आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा डाउट है सर। जी सर, सर हम जीवन साधन कर देना सर। हाँ। एक पेशेंट को तो फिर हम कैसे मतलब कहा कब से मतलब कितने दिन तक हम दीपन पाचन कर सकते हैं क्या कि हाँ बस है अभी स्टॉप करना है तो हमको कैसे भूख लगने लगा उसको भूख लगने हाँ। लगा तो फिर बस बंद करिए और फिर व्याधि प्रतिनिक दवाई शुरू कर दीजिए। तो सर मतलब अभी मैं 15-15 दिनों को तक भी देती हूँ सर। थोड़े पेशेंट्स है जो उनको 15 दिन दिए तो भी कम नहीं हूँ मतलब उनको ऐसे भूख ज्यादा ऐसा नहीं लगती है तो ज्यादा दिन दीजिए। हमारे सर ऐसे बताते हैं, हमारे जमदग्नि सर ऐसे बोलते हैं कि 3 महीना लगता है ज्यादातर जो क्रॉनिक डिजीज वाले लोग आते हैं ना तो 3 महीना तक तो उनको दीपन पाचन को लग जाता है। हाँ सर, मतलब अभी सोरेसिस केसेस हैं तो उनमें मुझे देने के लिए अभी मैं ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया फिर भी उनको ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत अच्छा से भूख लग रही है ऐसे तो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं हम। हाँ दे दीजिए 3 महीना तक, हमारे सर बताते हैं एक्सपीरियंस है कि 3 महीना तो करना चाहिए। ओके सर, और आरोग्य वर्धिनी का मतलब कुछ है रहता है क्या सर रिस्ट्रिक्शन की 6 महीने तक दे सकते हैं ना आप? दे सकते हैं 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है। ओके, तो ब्रेक कितने दिन के लिए देना सर फिर? 8-10 दिन? हाँ 10 दिन दे दीजिए, 2 हफ्ते दे दीजिए। ओके, उसके बदले कुछ और दवाई दे दीजिए उसके अल्टरनेट। ओके सर, वही मुझे डाउट था कि कितने दिन तक मतलब थोड़े जन को 15 दिन में ही अच्छे से इफेक्ट आता है और थोड़े को सबका बॉडी अलग रहता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, कोई वात प्रकृति, कोई कफ प्रकृति, खाना पीना कितना आम दोष है उस हिसाब से कम ज्यादा करना चाहिए, ऐसे एकदम फिक्स प्रोटोकॉल नहीं। सर आम वटी भी दे सकते हैं ना सर? आम पाचक वटी दे सकते हैं? पाचक वटी हाँ सर, तो वो भी पाचक द्रव्य ही है ना सर, मतलब उसको भी हम कंटिन्यू ऐसे 15 दिन या 2 महीने से चला सकते हैं। हाँ, और ये बताइए वो आपके पेशेंट का क्या हुआ? कौन से सर? वो जो जिनको गैंग्रीन हो गया था सर, वही लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ना सर, वो वहां तक ही है। फिर वो मुझे अप्रोच करे कि मतलब कुछ कर पाएंगे क्या आप बोल के, फिर मैंने तो बोल दिया ना बोल के, क्योंकि पहले टाइम पे ही अपने को बहुत ये हो गया, अच्छा खासा अच्छा केस था हमने लिया था और बीच में ही वो छोड़ दिए, फिर अभी नेक्स्ट टाइम हम नहीं ले सकते बोल के नहीं बोली ना सर कुछ भी। तो मतलब अभी ऑलमोस्ट सब पूरा हो गया ना सर, उसका भी धातु क्षय भी हो गया उसका, तो ज्यादा कुछ भी कर नहीं सकते ना सर। तो रिलेटिव्स है ना तो सर ज्यादा भी नहीं ले सकते अपन, वो है बाद में अपने को ही प्रॉब्लम होता ऐसे। ठीक है, हाँ शशि तिवारी जी आप बोलिए सर, बोलिए मैम सॉरी। हाँ जी सर, असल में मैं व्हाट्सएप पे बात भी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी मुझे आंसर देना पड़े, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है ना। इट्स ओके सर, एक्चुअली मैं उस वक्त नस ले रही थी सो मैं नहीं बोली। तो सर रनिंग नोज जब रहता है तो भी नस लेते रहना चाहिए आराम से? हाँ, क्योंकि मैं ले रहे हूँ आजकल बलगम तो काफी ढीला इधर निकल रहा है जो भी मतलब नेजल सेक्रेशन है, बट अभी पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा वो ज्यादा हेडेक होने लगा लेने के बाद से। लेने के बाद से आप एकदम ज्यादा ज्यादा मात्रा में डालते होंगी, थोड़ा धीरे धीरे करके डालिए, टाइम ज्यादा लगने दीजिए। अच्छा, इसलिए ऐसा हो गया। और सर मैं 9 डेज की फास्टिंग हूँ तो मैं अपना आम पाचन करना चाहती हूँ। अच्छा, तो नॉर्मली मैंने अभी तक वही ले रही थी, थोड़ा सुनती सारी जल ही ले रही थी बहुत हल्के से उसमें अमाउंट में, मतलब 5-10 ग्राम ही थी सुनती, तो वैसे ही होल डाल दिया था, उसको पानी में उबाल करके ले रहे थे, उसी का पानी दिन भर पी रहे थे। फर्स्ट डे तो मैंने वो खा लिया था, साबुदाने पोहा बना था। सेकेंड डे संडे को मैंने सिर्फ एक पीस खीरा खाया था और आज मैंने कुछ और नहीं खाया, सिर्फ वही लिया है। बट अब मुझे थोड़ा सा वीकनेस टाइप का लग रहा है या हेडेक टाइप का ले रहा है। तो फ्रूट जूस ले लीजिए। अच्छा, तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ क्या ले लूं ऐसा तो अच्छा तर्पण कर देगा, बल दे देगा। नहीं वो तो दे देगा बट आम के पाचन में फिर वो तो नहीं करेगा। आप इतना अति लंघन करेंगे, अतिकर्षण करेंगे तो वीकनेस नहीं आएगा, आप खुद ही बोल रही हैं वीकनेस आ रहे। वात का प्रकोप नहीं करना है, वात का प्रकोप करेंगे तो तकलीफ नहीं होगा क्या? हाँ, जैसे 9 दिन मैं व्रत रहती ही थी
तो 9 दिन में बहुत ज्यादा होता था, तो एक बार या दो बार दूध ले लेती थी और कुछ नहीं लेती तो थी। दूध ले लीजिए ना, पर वो आम नहीं बनाएगा सर। क्यों बनाएगा? अगर आपको वीकनेस लग रहा है, भूख लग रही है, तो क्यों आम बनाएगा? अच्छा, दूध पी के तो हम कर सकते हैं ना व्रत। क्योंकि जिस दिन मैंने साबूदाना खा लिया था रात में बना हुआ था, तो उस दिन मुझे भारी लग रहा था पूरी रात, तो मैंने कहा गलती कर दिया मैंने खाया। साबूदाना से डर नहीं, लेकिन दूध से डर लग रहा है आपको? अरे वो सर बच्चे ने बनाया था, ननद की बेटी थी, तो उसका दिल रखने के लिए मैंने खा लिया था। अच्छा, और वो आपकी फ्रेंड कैसी है, आपकी नेबर? अभी तो ठीक होंगी, मेरी परसों बात हुई थी, कल उनके यहाँ फंक्शन था, जाना था, बट मैं खुद बहुत ज्यादा बिजी थी तो नहीं जा पाई। जाती हूँ मैं, देखती हूँ, फोन करके पूछती हूँ कैसे हो आप। ठीक है, ठीक है, ओके। आप कुछ खा पी लीजिए, मतलब जैसे जूस या सूप। हाँ मैं देखती हूँ क्या ले सकती हूँ कुछ। अभी देखिए अंजना मैम भी व्रत की है, मोनिका मैम भी की है, तो ये लोग कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं ना, बॉडी को तकलीफ नहीं देना है। तो सर आलू बॉयल करके अकेले आलू खा सकते हैं? अभी ये अंजना मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी, जो लोग व्रत करते हैं वो लोग बताइए। मोनिका मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी? नहीं मैं आम की वजह से बस पूछ रही हूँ, अदरवाइज तो व्रत में आलू खाते हैं। मैम हल्का खाइए मैम, कुछ समा के चावल वगैरह ऐसा कुछ बॉयल करके हल्की सी घिया की सब्जी के साथ खा लीजिए मैम। इतना सब तो मैं नहीं खाती। है ना, घिया की सब्जी वगैरह तो खा ही सकते हैं ना? नहीं मैं नॉर्मली फास्ट में बहुत हल्का खाती थी शुरू से ही। मैम घिया की सब्जी तो बहुत हल्की होती है, तो आप ले सकते हो। ठीक है मैम, चलिए। कौन सा व्रत कर रही हैं आप लोग? ये नवरात्रि, रोजा नहीं रख रहे? रोजा मुस्लिम लोग करते हैं। नहीं नवरात्रे हैं सर 9 दिन के, वो तो हमेशा रहते हैं, बट इस बार थोड़ा ज्यादा वो कर दिया। मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं इतना गर्मी में, बाप रे, कैसे वो कुछ भी नहीं ले। अश्विन महीने में रहता है ना नवरात्र, अभी चैत्र नवरात्रि रहता है, रामनवमी तक दो बार होते हैं ना चैत्र वाला नवरात्र। आप स्मिता जी आप सजेस्ट करें इनको क्या खाना चाहिए, इनको वीकनेस टाइप लग रहा है। सर आपने फ्रूट्स बोला है वो अच्छे ही है ना, डाइजेशन भी हाँ, अंगूर अनार संतरा, और अभी का मौसम जो है उसी हिसाब से खा सकती है ना वो। जी मैम, जैसे ना अगर सॉल्ट के बिना रखो ना, कई बार वीकनेस लगने लगती है ज्यादा ही, तो उस टाइम पे अगर एक टाइम पे भी सॉल्ट लेंगे ना, तो उसमें इस तरह से कुछ लाइट ले सकते हैं, पतला सा तरी वाली सब्जी बना ली या स्टीम सब्जियां ले ली साथ में सेंधा नमक डाल के, उस तरह से कुछ लेंगे ना तो थोड़ा एक वीकनेस भी नहीं आती है और फीलिंग लगता है। हाँ मैं ले लेती हूँ, 3 डेज से सॉल्ट तो नहीं गया अंदर। हाँ जी उससे ही वीकनेस आती है मैम, काफी वीकनेस लगती है। हाँ जी ओके मैम, थैंक यू मैम, वेलकम मैम। अंजना मैम तो बोल ही नहीं रही हैं आज, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। हेलो। हाँ जी डॉक्टर रीना जी। गुड इवनिंग। हाँ सर मेरे को पूछना था। हाँ, आपका पूरा नाम क्या है? सर रीना बिश्नोई। अच्छा आप ही हैं मुंबई की डॉक्टर? जी सर मैं मुंबई में, एक्चुअली सर अभी शिफ्ट हुई 7 मंथ पहले, मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग इधर हुआ है नरीमन पॉइंट में, ये इंडियन बैंक में एचआर डिपार्टमेंट हेड ऑफिस मैनेजर है, एचआर मैनेजर। तो मरीन ड्राइव के पास कंचन मैम का क्लिनिक भी है पतंजलि का, उधर जाके देखिएगा, मरीन लाइंस के पास में ही है। ओके। तो मैं तो सर आरोग्य वेदक कंपनी है उसमें जॉब करती हूँ। अच्छा। इससे पहले मैंने जो है सर एलोपैथिक में किया था प्रैक्टिस, लेकिन आयुर्वेद में फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ज्वाइन किया यहाँ पे क्लिनिक। तो आपका लेक्चर सर एक साल से सुन रही थी, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने आयुर्वेद ही अपनाया जी। इसके लिए सर मुझे पूछना था, मेरा सर बेबी 4 इयर्स का है, मेल है, उसका 14 kg वेट है सर, उसका 1 साल से जो है लेफ्ट आई में रेडनेस बना रहता है कंटिन्यू। तो आई के डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मॉक्सीग्राम आई ड्रॉप दिया था, लेकिन वो 2 महीने तक कंटिन्यू उसको डाला तो सब ठीक रहा, लेकिन वो वापस चालू हो गया। क्या रेडनेस है क्या? लाल सर साइड में, हाँ एक ही आँख में रहता है, और जैसे ही आई ड्रॉप डालना बंद करती हूँ तो वापस हो जाता है। लेकिन सर अब मैंने फिर बीच में त्रिफला पाउडर का गुलाब जल में मिला करके घोल करके जब वो रात में सोता था तो उसकी आंख पे लेप करती थी, फिर उसको 5 से 10 मिनट बाद हटा दिया करती थी मैं गुलाब जल की पट्टी को गीला करके। तो कुछ दिन तक तो मतलब ठीक था, लेकिन वो वापस से फिर से आने लगा, फिर उसका थोड़ा सा जो मोशन था वो टाइट होता था, तो उसको मैंने जो है 4 इयर्स का थोड़ा सा चुटकी भर त्रिफला पाउडर लेकर के उसको प्योर देसी घी गाय के घी में मिला के उसको
डेली मैंने उसको चटाना चालू किया तो, लेकिन उसको ऐसा नहीं रहा कि उसको ग्रेचन हो रहा है उससे या मोशंस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी एक महीने से मैंने उसको आईड्रॉप वो डाला ही नहीं, तो रेडनेस वापस से फिर से थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लगा, लेकिन सर वो परमानेंट जा नहीं रहा है। देखिए उसमें ना सूक्ष्म त्रिफला या त्रिफला गूगल अच्छा काम करता है। सूक्ष्म त्रिफला आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं भेज दूंगा, वो देंगे ना रेडनेस पूरा ठीक हो जाता है। सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला के काढ़ा से ही 45 बार भावना दिया हुआ सूक्ष्म त्रिफला रहता है, ये रेडनेस को ठीक कर देता है। और नहीं तो AKT दे दीजिए, अमृता गूगल, कैशो गूगल, त्रिफला गूगल, ये आईज पे अच्छा काम करता है। त्रिफला घृत खिला दीजिए या बृहतवासिका दी कषाय सप्तामृत लाओ, बहुत सारी दवाएं है आंखों के लिए, जीवंत्यादि घृत है वो अच्छा काम करता है। मेरे को ऐसे केसेस में तो सूक्ष्म त्रिफला का बेस्ट रिजल्ट मिला है। इसका डोज क्या रहेगा बच्चे के लिए? इसका 14 kg वेट है बच्चे का। तो क्या हुआ, एक एक गोली या दो दो गोली सुबह शाम? मेरा एक क्लासमेट है जो अभी ब्रिगेडियर है, उसका ना आंखें एकदम रेड होती थी, ऐसे ही सेम केस था, उसको इतना तकलीफ भी होता था, बर्निंग होता था हर समय। फिर मैंने उसको सूक्ष्म त्रिफला दिया, 7 दिन में उसका आंखें ठीक हो गई, एकदम क्लियर हो गया, साफ हो गया। ओके ओके सर, हाँ सर मैं एड्रेस देती हूँ, मेरे को चाहिए। और सर एक केस और डिस्कस करना था मुझे अपना खुद का। सर मेरे को जो है 7th month की मतलब प्रेगनेंसी में IUD हो गया था 1 साल पहले, तो मेरा जो IUD हुआ था, हेलो बोलिए बोलिए बोलते रहिए। हाँ तो सर लेकिन जब मेरे को 2-3 महीने का प्रेगनेंसी हुआ था तो मेरे ना ये लेफ्ट हैंड में फिंगर्स में बर्निंग होता था बहुत ज्यादा, अगर मैं कागज का टुकड़ा भी छूती थी तो इतना रेडनेस था, इतना स्वेलिंग था उस हाथ में मेरे, कि मैं कोई चीज टच नहीं करती थी, एकदम जलन चुभन इस तरीके का रहता था। पूरे प्रेगनेंसी मेरे दोनों हाथों में दर्द रहा, लेफ्ट हैंड में मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता था। फिर उसके बाद जब 5th month आया तो मेरा BP बढ़ना चालू हो गया। BP बढ़ने के बाद मेरा क्या हुआ था, मतलब हाथ मेरा बिल्कुल काम करना बंद हो गया था लेफ्ट हैंड। फिर उसके बाद मतलब BP इतना ज्यादा बहुत बुरी कंडीशन होती चली गई थी। फिर 7th month आके पता चला बेटे बच्चा जो था उसका वेट ही गेन नहीं हुआ, उसका 90 ग्राम 70 ग्राम फिर ऐसे होते चला गया। फिर वो जैसे 7 month मेरे को लगा तो बच्चे का फिर IUD हो गया। लेकिन जब वो IUD हुआ तो सर वो नॉर्मल डिलीवरी किया गया, उसके बाद से फिर से मेरे को वापस से नॉर्मल डिलीवरी के बाद ही मेरा ये कंडीशन रहा हाथ का। फिर मैंने फिर सर योगराज वही बात ये बाद विध्वंस रस एकांग वीरस ये सब मेडिसिन खाया तो ठीक हो गया था, लेकिन सर वापस से फिर मेरे उसी हाथ में लेफ्ट हैंड में फिर से दर्द होना चालू हो गया है। बर्निंग तो अब नहीं था लेकिन बीच में कभी भी हो जाता है। और फिंगर के जो टिप्स होते हैं उसमें ऐसा मतलब कभी कभी अचानक से गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे भीगे हुए पानी में काफी देर तक हाथ रखते हैं तो जैसा हाथ में गड्ढा हो जाता है, जैसे भीगा रहता है इस तरीके का अपने आप ही हो जाता है बिना भीगे हुए हाथ मेरा कभी भी। तो हाथ में भी बहुत ज्यादा मतलब पेन लेफ्ट हैंड में रहता है। कार्डियक जांच वगैरह सब करवाया था, ECG को सब नॉर्मल था सर, तो उसका रीजन पता ही नहीं आता है क्या होता है मेरा। असली में आपको शरीर का शोधन करना बहुत जरूरी है, वमन विरेचन ऐसे कर देंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। बस्ती का भी जरूरत है, पूरा बॉडी का क्लींजिंग नहीं होगा फिर आप प्रेगनेंसी का प्लान करेंगे, फिर से हीट बढ़ेगा, फिर से ये सब होगा। एक तो नस से भी और वमन विरेचन करिए। सर मैंने डिटॉक्सिफिकेशन कराया था, विरेचन कराया था 2 महीने पहले, मैंने पूरा पंचकर्मा का लिया था, स्नेहन स्वेदन दीपन पाचन पूरा सब करवा करके प्लस भस्तियाँ भी लिया था, जो जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया उसी में मैंने पैकेज लिया था उनका। तो सर लेकिन वापस से फिर से चालू हो गया मेरा वेट सर 71 या 72 kg मेरा समथिंग हो गया था। मैंने अपना वेट भी काफी कम किया है अब, 62 something मैंने अपना वेट किया, 8-10 kg मैंने अपना वेट भी घटाया है अभी वॉकिंग करके और ये सब पूरा डाइट वगैरह फॉलो करके। लेकिन सर हाथ का दर्द मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है इसके बाद भी। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो आप शीर वाला तेल का नस्ते ले लीजिए डेली। ओके सर। मैं वो अनुरिता मैम को देता हूँ, आपने देखा होगा, तो उनको मैं नस्ते देता हूँ ना, तो उनका बहुत, वो क्रिकेट भी खेलती है, कितना भी बैट चलाती है कुछ तकलीफ नहीं होता है, नस्ते का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। आप एकांगवीर रस और महावत विध्वंस ये सब ले रही है, लेकिन वहां पे स्नेहन नहीं। नहीं सर ये तो मैंने बहुत पहले तब लिया था जब मतलब प्रेगनेंसी IUD हुआ था, उसके बाद बहुत बुरा कंडीशन हो गया था मेरा, तभी लिया था मेरे मैंने ये सेहत के साथ, तो एक या दो तीन लिया था। से कंटिन्यू आपको लेना चाहिए, नस से लेने से ही ठीक होंगी आप। जी सर जी सर।
जी मैम, एक बात मैं करना चाहती हूँ, जो आप रेडनेस ऑफ आई के लिए बोल रहे हो उसमें आपको जो मेडिसिन चलानी है चलाइए, उसके अलावा सुबह सुबह सोकर उठकर हैंड वॉश करके अपना सलाइवा अपनी आईज में लगाएं, उससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को कराए हैं, इंजरी वाले केसेस में भी आराम आ गया है। बेटे का है मेरे आई का जो प्रॉब्लम हाँ है। कोई बात नहीं, तो बच्चे का ही उसका हैंड वॉश करके या आप अपनी उंगली करके उसका सलाइवा लेकर उसकी आई में अप्लाई करिए। हाँ, विद इन 3 to 4 days आराम आता है। दूसरी बात है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी का है, तो आपके सलाइवा में मिट्टी की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और मैंने कई सारे पेशेंट्स को कराए हैं। मैम, अंजन की तरह लगाना है या ऊपर लीड पर लगाना? जैसे अंजन लगाते हैं, काजल की तरह ही लगाना है, काजल की तरह लगाना है। राजीव दीक्षित जी नहीं बोलते हैं कि कंजक्टिवाइटिस और ड्राई आईज और दिस दैट वो आप लगाइए? हेलो अच्छा मैम, एक चीज और पूछना था, जैसे किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया है तो उसके हाँ। 1 to 2 साल बाद वापस से उसको ईचिंग प्लस पानी आंखों से निकलना वो सब दिक्कत हो रही है, तो क्या अपना कुछ आयुर्वेद में अपना ऐसा कुछ कर सकते हैं? ना बृहदवासकादि का शायद, फिर सप्तामृत लौह ये दे दीजिए, बहुत अच्छा काम होता है। सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल, पंचामृत लौह गुगुल, ये सब किस लिए? पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडूर, वो सारी चीजें करा दीजिए मैम जो सर बता रहे हैं। साथ में जोशी सर पढ़ाते हैं ना श्रृंगाटक मर्म को करना, तो श्रृंगाटक मर्म की स्टिमुलेशन करना है हो गया, और ये अंजन मतलब सलाइवा अपना अंजन की तरह अप्लाई करना हो गया, और नस से तो है ही, फिर उस चैनल को पूरा मतलब वो कर देगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हेलो हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मेरा एक पेशेंट है, सर एक कल ही मेरे पास आया था सर, उसको ना जैसे ये ना चेस्ट वाली रीजन में लेफ्ट साइड पे बर्निंग जैसी रहती है बहुत ज्यादा, और मतलब बाहर बाहर अंदर नहीं, और सर बाहर है कुछ नहीं मतलब पेशेंट की ना, और उसको ऐसे कपड़ा भी जैसे लगता है ना तो वो भी उसको ऐसे लगता है बहुत जल रहा है अंदर इस तरह से बाहर की साइड, और सर डाइजेशन की इतनी कोई प्रॉब्लम उसने मुझे बताई नहीं कि उसको जैसे मतलब टॉयलेट वो रेगुलर जाता है और भूख भी ठीक लग रही है, जैसे हर्पीज टाइप के सिम्टम्स बताता सर पर है नहीं कुछ भी बाहर, तो क्या करना चाहिए सर उसमें? इसमें पित्त के सिम्टम दिख रहे हैं तो विरेचन करा दीजिए, रक्तमोक्षण करा दीजिए, और पित्त शामक चिकित्सा करिए, जैसा दोष वैसे चिकित्सा। अच्छा, तो सर फिर क्या दीपन पाचन से स्टार्ट करें? आप सुचेकर रस भी देंगी ना तो वो भी दीपन पाचन करता है, साम पित्त का पाचन करता है, प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल कामदुधा रस है, ये ऐसे सुधाकल्प भी दीजिए तो दोनों काम होते हैं। सर उसको कोई लेप तो नहीं धूम है बाहर से लगाने के लिए? बाहर से लगाने के लिए दीजिए ना, ये वर्णगन में जो चंदन है, पद्मक है, अनंता है, सब कितना बढ़िया ये लेप है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है सर। सर मेरी मेडिसिन नहीं आई अभी तक। अभी और आपको नहीं, मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल है ना कि आप मेरे पास आ जाइए, मेरा दवाखाना आप संभालिए और मैं थोड़ा दिन छुट्टी मारूंगा। सर प्लीज सर, मेरे को बड़ी जरूरत है आपकी। मैं कल बताऊंगा आपको, फिक्स बताऊंगा। ठीक है ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। डॉक्टर राजकुमार जी, आपने कुछ हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर राजकुमार जी बोलिए, सर बोलिए। नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप चुप रहिए, मतलब हैंड रेस भी किए, बुला भी रहा हूँ तब भी नहीं बोल रहे हैं। हेलो, अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज। हेलो, हाँ सर बोलिए। सर आज मैं बताना चाहता था एक मेरा एक्सपीरियंस। मेरी माता जी को पहले चक्कर आते थे, अभी जो एक पे केस देखा था आपने आया था। हेलो, हाँ बोलते रहिए बोलते रहिए। हाँ जी, तो पहले मैं जब 3rd साल में था बीएमएस कर रहा हूँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो उस समय मेरी मम्मी को चक्कर आ गए थे जी, उनको शुगर थी, हो गई थी 400 हो गई थी शुगर, और उनका HB हो गया था 6 ग्राम जी। तब मैंने दिया था बसंत कुसुमा का रस और शिलाजीत
एक रत्ती और लो बसम एक रत्ती जी, तीनों को प्रसाद दिया था तो उनसे उनके चक्कर खत्म हो गए थे। वाह जी, उस तो साल हो गए लगातार जी उस समय, अब उनकी शुगर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नॉर्मल आती है। असली में जो मधुमेह है ना वो दो टाइप का रहता है, एक आवरण जन्य संप्राप्ति से होता है और एक धातु क्षय जन्य। आवरण जन्य शुरुआत रहती है, तो आपने जो वसंत कुसुमाकर वगैरह दिया ना शुरू में, तो उससे आवरण जन्य संप्राप्ति भंग हो गई, वो ठीक हो गई। अब यही धातु क्षयात्मक रहता तो आपको कंटिन्यू देना पड़ता। हाँ, लेकिन अब ये हो रहा है कि अब मैंने वसंत कुसुमाकर से 20 दिन से छुड़वा दिया जी, अब उनको चक्कर दे फिर से, तो आप दीजिए ना उनको, कंटिन्यू दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इतना कमाते हैं तो माता जी के लिए तो देना ही चाहिए आपको। नहीं अभी कमाता, मैं तो BMS इंटर्न कर रहा हूँ जी। जो भी है माता पिता का करना चाहिए। वसंत कुसुमाकर अगर आप बहुत दिन तक भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। ठीक है सर। तो सर एक बताना था, एक मेरे पास पहले उनको हाथ पे पूरे दांत थे जी, उनको मैंने दिया था गंधक रसायन रसमाणिक्य और गिलोय शतक जी, उन 3 महीने चलाया था, उनको आराम हो गया था जी। अब मेरे पास एक पेशेंट है, उनको कपाल कुष्ठ है, उनके सिर में दाद है जी, उसको तो यही दिया गंधक रसायन रसमाणिक्य और गिलोय शतक, अब उनका ठीक हो गया था, लेकिन 1 महीने बाद फिर हो गया उसको तो वही दाद। खाना पीना क्या गड़बड़ हो रहा है वो देखिए। हाँ तो खाना पीना तो उन्होंने बंद कर दिया, मतलब गड़बड़ ही कर दिया था ठीक होने के बाद। हाँ तो उसको बंद करिए, क्यों गड़बड़ किया उन्होंने वो बंद कर दिया था, फिर अब फिर से आई है वो, तो अब इसके साथ में क्या कर सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ। सबसे पहले तो फीस डबल लेना है ताकि पेशेंट को याद रखे कि हम परहेज तोड़ते हैं, फिर डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है। ऐसे करेंगे तो उनको याद रहेगा कि हमें उल्टा पुल्टा नहीं खाना है। और आप क्या देना चाहते हैं आप वो बताइए पहले। मैं अब इसके साथ सोच रहा हूँ खदीरा ऋषि दूं या फिर मां मंजीषा ऋषि, दोनों दे। वो दे दीजिए, गंधक रसायन तो देंगे, आरोग्य वर्धिनी दे दीजिए, पंचतिक्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 त
दवाइयां आप दीजिए, आप जो देंगे वो तो सही होगा, लेकिन पेशेंट को ना परहेज से फिर कुछ तो मिलना चाहिए, फाइन होना चाहिए, आप उनसे डबल फीस लीजिए। ठीक है, और राजकुमार जी कैसे हैं आप? हाँ जी बढ़िया हैं जी। आप कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं? जी मैं जींद हरियाणा से हूँ, जींद सिविल में इंटर्नशिप करूंगा अभी एक महीने बाद, अभी तो मेरी कॉलेज में लगी हुई। तो उसके बाद क्या करना है आपको? मेरे को अभी मैं खुद का ही करना चाहता हूँ। एमडी एमएस नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, आप करिए, हम आपके साथ हैं। आपके साथ, आप साथ होगे तो मैं प्रैक्टिस करूंगा। आप करिए जी। पाठक सर। हाँ सर बोलिए सर। लाइट आ गई है सर हमारे यहाँ। ठीक है, अभी पंजाबी में कोई केस टेकिंग करेंगे। लाइट तो आ गई, आप सोओगे? पंजाबी किसको आता है? दीदी मैम आपको पंजाबी आता है क्या? इनसे सरदार जी का केस टेकिंग कौन करेगा? नवजोत कौर मैम, मैं तो कुछ लोग को ही जानता हूँ जिनको पंजाबी आता है। हाँ जी मैम, सर करूँ मैं? हाँ आप करिए। हाँ जी सर। जवाब हाँ जी, सत श्रीकाल सरदार जी। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। हाँ जी, की नाम है जी तुहाडा? इकबाल सिंह जी। हाँ जी, दसो की तकलीफ है, कदों तो शुरू है प्रॉब्लम? मेरा बाले विच एक्सीडेंट होया सी पावर प्रेस ना, मेरा गोला कट गया सी। ठीक है, अच्छा जी। उदू बाद ना मेरे लक च दवस्ती लड़काड़ा, लक च बास बदल लग गया। नक च? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, 1992 च जी होया सी एक्सीडेंट दा पावर प्रेस ना। मैं तीन बारी ऑपरेट भी करा लिया। क्लियर नहीं सुनिया जी, दोबारा दसो, नक च की हुंदा है? नक च बास बढ़ गया, पॉलिप बढ़ गया जी। अच्छा जी, नेजल पॉलिप। हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तीन बारी ऑपरेट भी करा लिया। अच्छा जी,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਨਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੈਲੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘੁਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇ ਅਗਰ ਆਪ ਫਿਰ ਆਏਗੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਗਰ ਫਿਰ ਸੇ ਹੁਆ ਤੋ ਮੈਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਮੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਨੇਜ਼ਲ ਪੋਲਿਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ 80-82 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨੇਜ਼ਲ ਪੋਲਿਪ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਬੁੱਢੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹਾਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੈਠੇ ਚੜਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੜਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚੜਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤੇ ਚੜਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਿਪਲਾ ਫੋਰਟ ਕੋਟ 400 ਦੋ 250 ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਸਟੀਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂ ਦਿਨ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਟੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਉੱਠਦਾ ਬੈਡ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7:30-8 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਡ ਸਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਬੈਡ ਪਰ ਨੀਂਦ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਨੀ ਬੈਡ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਕ ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲੋ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਬਟ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਖਾ ਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇਬੂ ਖਾ ਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖਾ ਲਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਚੋਣ ਲੱਗਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਖਾਵਾ ਦਹੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੱਕ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੜ ਬੜੀ ਆ ਘਰੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਔਰ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜੜੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਿਸਕਿਟ ਸਮੋਸਾ ਪਕੌੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਮੋਸਾ ਪਕੌੜਾ ਨੇ ਬਿਸਕਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੜ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਸਾਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੈ ਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਨੱਕ ਚੋਂ ਬੜੀ ਬੜ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਜ਼ਲ ਪੋਲਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੱਕ ਚੋਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਜਾਂ ਜੁਕਾਮ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਲ ਪੋਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ठीक है सर और पूछना किसी ने कुछ समझ आ गया या मैं हिंदी में बताऊं सर हेलो हाँ मैडम बता दीजिए हाँ जी मैम ये बता रहे हैं कि 92 में इनका ये हाथ मतलब एक्सीडेंटली जो इनकी फिंगर्स कट गई थी तो वो सर्जरी हुई हाँ ये दिखा रहे हैं तो उसमें भी डॉक्टर्स ने स्टीरॉइड्स वगैरह दिए ट्रीटमेंट में और फिर ये नेजल पॉलिप की हिस्ट्री दे रहे हैं उसके बाद से तो उसके लिए भी जो सारी एलोपैथी मेडिसिन वो भी कहते हैं अभी भी स्टीरॉइड्स चल रहे हैं और अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले से इनको जैसे बैठे बैठे चक्कर आ गया था वो MRI में वो जो कह रहे बता रहे हैं कि वर्म की हिस्ट्री है तो उसके लिए भी अभी जो स्टीरॉइड्स का ट्रीटमेंट चल रहा है तो अब नाक से हर समय ये पानी निकलने की शिकायत बताते हैं कि उसके लिए मेडिसिन वगैरह तो लेते हैं बट पूरी तरह से ठीक नहीं है नाक वैसे भी इनका लग रहा है बंद आवाज बोलने से पता चल रहा है तो बाकी दिनचर्या जो इन्होंने बताई हाँ जी सर आप बोलिए बोलिए और ट्रीटमेंट क्या देंगी आप वो भी बताइए आपको क्या लगता है क्या देना सर मैं मुझे तो यही लग रहा है कि इस समय प्रेजेंटली तो इनके नेजल पॉलिप का सोच के कि मांस की ग्रोथ है उसके लिए थोड़ा पहले दीपन पाचन करके और मांस पाचक भी बीच में इंट्रोड्यूस करूंगी मैं दिनचर्या में तो सर मुझे कोई ज्यादा लग नहीं रहा कि इनका खान पीन का कोई ज्यादा गड़बड़ है क्योंकि बता रहे हैं कि जो घर का खाना ही खाते हैं दही वगैरह टाइम पे उठना टाइम पे सोना हाँ जी वो थोड़ा है मतलब रात भर जागते रहते हैं 4 बजे जाके नींद आती है सुबह तो उससे भी सर दोषों का इंबैलेंस हो रहा है जी इसमें अंजना मैम आपको ट्रीटमेंट बताएंगी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके एक्सपीरियंस से अंजना मैम अगर आप बोल सकते हैं तो आप बताइए खाना खा रही है तो खा लीजिए आकांक्षा मैम आप बताना चाहती है तो आप बताइए प्रणाम सर जी प्रणाम सर इनमें मतलब अभी तो जैसे मैडम ने हिस्ट्री जो मैंने सुना है उसमें कि मेडिसिन के कारण ही बहुत सारी मेडिसिन ऐसा है जिसके कारण इनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है नेजल पॉलिप की काफी सारी इनकी मेडिसिन चल चुकी हैं तो अभी इसमें सर हम लोग इनको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं ऐसा मुझको लगा इन्होंने बताया है तो सर इसमें जैसे आप बताते हैं मतलब मेन एक तो जैसे मैम ने बताया मांस पाचक चलेगा ही चलेगा साथ में आम पाचक चलेगा ताकि क्लेत जो है उसको कम कर सके और साथ में हम इसमें अगर नेजल पॉलिप को थोड़ा अगर एक अर्श की तरह भी ट्रीटमेंट सोचे तो अर्शकुटार रस भी हम इसमें चला सकते हैं और जो हम लोग भृषक शवतु का जो नस से चलाते हैं या उसकी जगह हम चित्रक आदि तेल भी इसमें नस्य की में दे सकते हैं और नस्य के रूप में सुबह शाम चित्रक आदि तेल देंगे तो वो मांस जो भी है वहां का श्रिंक हो जाएगा और साथ में सर इसमें अपान वायु पे हमको कार्य करना चाहिए ताकि अपान की दृष्टि से जो भी मतलब ऊपर की तरफ जो भी इनको ये
छींके वगैरह आ रही हैं वो उसकी तरह से अपान वायु अगर इनकी प्राकृत होगी तो वो थोड़ा सा कम होगा, तो इसके लिए गंधा भरित की या कैस्टर ऑयल या एरंड तेल शुंठी डाल के ये ले सकते हैं। और साथ में सर इसमें जैसे बताते हैं हम लोग तुत का नेजल वॉश, तो 1:10 का रेशियो में उसमें तिथ का कुछ नहीं, एक सिरिंज में भर के अपना बस अगर ऊपर की तरफ से वॉश करके अगर प्रेशर देंगे तो एक बार अगर तुत से ये नेजल वॉश करते हैं तो इससे भी श्रिंक होने में इसमें आराम मिलेगा। और सर इसमें एक कोई चीज और बतानी थी जो छूट रही है मुझको, और सर कुछ और अभी दिमाग में आया था जो मेरा स्किप हो गया सर, तो इतना सर कर सकते हैं। और इनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है ना, पेट साफ होता है क्या? सर कह तो रहे हैं ठीक साफ होता है। नहीं सर, नहीं डॉक्टर साहब नहीं है तो सर, फिर भी वही अपान वायु के कार्य के लिए एरंड रीति या गंधर्व रीति कुछ भी अगर चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। मगर इसके पेट बहुत बड़ा हुआ है, मास जनित वो जो गलत दवाइयों का असर है ना सी रोड का। एक बार पेट दिखाइए, इनका पेट दिखाइए। नो सर। तो आप सर इनको वमन ही करा दीजिए ना, वमन और विरेचन तो बेस्ट रहेगा। हाँ देखो सर जी, एक बार इनका शोधन कर दीजिए ना सर, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सरदार जी आप इनको वमन करा दीजिए। वमन कराएं सर? हाँ वमन करा दीजिए, उससे शुरू करिए। एक मिनट सर, मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखता हूँ। नंबर एक पर वमन। हाँ आकांक्षा मैम आप जो बताइए आप सही है, आप एक बार बता दीजिए स्टेप बाय स्टेप। जी सर। सर आप इसमें पेशेंट को थोड़ा सा पहले आप पंचकोल चून से शुरू करिए, थोड़ा दीपन अच्छे से हो जाए। इनका बॉडी थोड़ा सा मतलब स्थूल है क्या, कैसा लग रहा है अभी मैंने देखा नहीं स्थूल आजी पार आजी शरीर इसका। तो आप पंचकोल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पंचकोल चून से आप थोड़ा सा दीपन से स्टार्ट करिए आप इनका, ठीक है? तो एक हफ्ते पंचकोल कंटिन्यू ही रखिएगा। साथ में आप इनको मांसपाचक दे दीजिए, मांसपाचक की टैबलेट आती है या काढ़ा के रूप में मांसपाचक टैबलेट दे दीजिए। अर्श कुठार मांसपाचक जो टैबलेट का कोई नाम बता देते हैं, डाबर बैद्यनाथ की जो भी मिलती है। सर ऐसी आती नहीं है, आपको या तो चून लेके उसको बनाना पड़ेगा और या तो फिर उसके योग आपको करना पड़ेगा, और या तो जैसे महाराष्ट्र में हम लोग के यहाँ कहीं कहीं कुछ कुछ कंपनियां बनाती हैं, क्योंकि ऐसे आपको कंपनी के वहाँ पे मिलना मुश्किल होगा सर। हाँ यहाँ आती नहीं है सर। मैं भेज सर से मंगवा लें, बहुत बढ़िया उनका रिजल्ट। ठीक है सर, ठीक है। प्रिक्षक योग है जी सर। अर्श कुठार रस लिख लीजिए, ये इसका भी यहाँ पे अच्छा काम होता है। अर्श कुठार रस। हाँ और साथ में चित्रकादी तेल आपको अगर मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि हम लोग तो खुद ही प्रिपरेशन करते हैं। अगर नहीं मिले तो कोटकल का नाशाश भी तेल आता है जो आप डाल सकते हैं। चित्रकादी तेल मैं भेज दूंगा आपको, जो आप ट्रीटमेंट बता दीजिए, जो नहीं मिलेगा मैं भेज दूंगा। चित्रकादी तेल या नाशाश तेल लिख लीजिए। और इसमें सर एरंड गंधर्व हरित की टैबलेट लिख लीजिए। अगर अगर वो तेल ले सकते हैं कैस्टर ऑयल तो बहुत अच्छी बात है। एरंड तेल में शुंठी डाल के ले लें, अरंड तेल मिलता है। हाँ तो उसमें थोड़ा सा शुंठी डाल के रात में थोड़ा सा अनुलोमन के लिए ले लें। तो जी ठीक है सर। और क्या बताया था मैंने, मेरे हिसाब से तो वमन कराना चाहिए पहले। मैं तो एक आपने वॉश और नेजल वॉश नाक साफ करना। वो कैसे क्या कोई सीरिंज में 1:10 के रेशियो में आप उसको एक भाग नौसादर लेते हैं और 10 भाग पानी लेते हैं, मतलब डिस्टिल वाटर में लिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर ठीक हो। और उसके बाद फिर उसको सिरिंज में खींचा जाता है, बड़ी सिरिंज में नॉर्मल जो 5 ml की होती है, और बस उसको ऊपर सिरिंज को ऐसे मारेंगे तो नेजल की तरफ वो जाता है, तो फिर वो वॉश हो जाएगा। वॉश होके वो पानी गिर जाएगा। मान लो अपा 100 ml पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा निशादर डाल लिया, ठीक है? एक घाट करीबन। हाँ जी, तो उसको 5 ग्राम बहुत हो जाएगा उसमें। 5 ग्राम ठीक है जी। 5 ग्राम सर ठीक है ना, 5 ग्राम में ठीक है। हेलो
बोलिए सर। सर 5 ग्राम में 5 ग्राम तक ठीक है, एक 100 मतलब पानी के लिए सर, क्योंकि एक ही वॉश करना है तो बस बहुत है। 10 ग्राम लेना चाहिए ना 100 ml के लिए। हाँ, 1:10 दी रेशो तब होगी जी। हाँ जी, 5:10 करना, फिर 10 ग्राम हो गया। 10 ग्राम हो गया, ठीक। पानी हो गया 100 ml, तो 10 ग्राम निशादर हो गया उसका। हाँ, बना के तो सिरिंज से नाक में उसको प्रेशराइज कर देना। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक, इतना स्टार्ट करिए, फिर देखते हैं। मैं आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अरविंद सर ने, पाठक सर ने बताया 1 नंबर पर बमन, 2 नंबर पर पंचकोल चूरन, 3 नंबर पर अर्श कुटार रस, चित्रकादी तेल, अरंड तेल में थोड़ा सा सौंठ मिला के करना है और नाक साफ करना। उसमें 100 ml में 10 ग्राम नशादर डाल के तो उसको दोनों तरफ साफ करना है। ठीक है जी। जी जी ठीक है। अर्श कुठार लिख लिया था ना आपने? हाँ, 2-3 नंबर पे अर्श कुठार रस है। ठीक ठीक। और सर अगर कुछ ऐड करेंगे तो ठीक है मेरी तरफ से। अभी इतना तो होने दीजिए, इतना तो होने दीजिए, फिर देखते हैं ना क्या होता है। और इनका पेट साफ नहीं हो रहा है तो चल रहे हैं, तो मैंने भी उनमें अभी यही चलाया है, उसके बाद फिर देखते हैं। अभी 2 केसेस नेजल पॉलिप के ही हैं। हाँ, असल में पेट साफ नहीं हो रहा तो गंदर रोहित की, एरंड हरित की दे दीजिए, वो अच्छा रहेगा। हाँ जी ठीक है सर। वो भी पेट साफ हो रहा है, मगर कोई दिक्कत अगर हुई तो सर, मैं एक जैसे पॉजिटिव बात भी हो, उस टाइम पहुंच नहीं पाई थी आपके पास। अरे सर, एक सर, एक सर, सर सॉरी मैं एक डिस्टर्ब कर रही हूँ इसमें। सर एक चीज आप और ऐड कर लीजिए, इसमें आप एक लेप होता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उस लेप में श्रृंग जो अपनी वो दुकान होती है ना जहाँ पे द्रव्य जड़ी बूटियां मिलती हैं, पंसारी और मेरे गुरु भाई है, पंसारी, तो वहाँ पे आप श्रृंग लिख लीजिए, श्रृंग ठीक है, श्रृंग लिख लीजिए। उसके बाद फिर आप, वैसे हम लोग के यहाँ कोम्बर नखी करके मिलती है, आप पता कर लीजिएगा। कोम्बर नखी अगर नहीं भी मिले तो पुनर्नवा लिख लीजिए। हाँ, पुनर्नवा लिख लीजिए। वच लिख लीजिए, वच मिल जाएगा। आमा हल्दी लिख लीजिए, अम्बा हल्दी, ठीक है। ये इन चीजों को जैसे हम लोग चंदन घिसते हैं ना उसपे, हाँ, उसका घिस के उसका गंध निकाल के नाक पे इसको लेप करवाइएगा। एक मिनट मैडम, ये ना जो शुरुंग, मेरे हिसाब से आप इसको सिरिंज बोलते हैं, जो मगा मिर्चा सौंट होती हैं। नहीं 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 नहीं, बारह सिंगा के सिंग, कर्कट श्रृंगी बोली, संस्कृत में कर्कट श्रृंगी करके आता है, आप नेट पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। बारह सिंगे का सिंग जी? नहीं जी नहीं, पंजाबी दोनों कक्कड़ सिंगी बोल दिया। कर्कट श्रृंगी लिखिए आप, कर्कट श्रृंगी संस्कृत में आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, कर्कट श्रृंगी, ठीक है सिंगी। मैं बता दिया मैंने पंजाबी में, पुनर्नवा, वच, वच ते अम्बा हल्दी, हां सॉल्ट, हां जी सॉल्ट, आमा हल्दी, सॉल्ट और आमा हल्दी। हाँ जी हाँ जी, आ देखो कक्कड़ सिंगी, पुनर्नवा, वच, अम्बा हल्दी ते सॉल्ट। हाँ, और साथ में एक कोम्बर निखी करके होता है, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर अदरवाइज ये पांचों आप ले लीजिएगा और इसको घिस के उसका गंध सुबह सुबह में और सुबह के टाइम में एक बार लेप लगवाइएगा, तो इससे जो सिक्रीशंस है ना, तो सिक्रीशन थोड़े से कम मिल जाएंगे। और साथ में इसमें एक मेडिसिन और आप और ऐड कर लीजिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, सूक्ष्म त्रिफला टेबलेट इसमें और ऐड कर लीजिए आप, त्रिफला, ठीक है। और साथ में दूध में डाल के देने के लिए बृहत हरिद्राखंड, हरिद्राखंड, हाँ, दूध में डाल के सुबह सुबह और रात को लेने के, ठीक। मैडम त्रिफला गुगल दिया गोलियां ले रहा जी है, त्रिफला गुगल नहीं, सूक्ष्म त्रिफला अलग चीज है, त्रिफला गुगल अलग चीज है, लेकिन अगर सूक्ष्म त्रिफला नहीं भी मिलता है तो त्रिफला गुगल भी काम करेगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करेगा। अगर आपको सूक्ष्म त्रिफला नहीं मिलता है तो त्रिफला गुगल भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस अभी हम थोड़ा सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। लेप एंड आउटर और इनर जी, लेप एंड आउटर और इनर, आउटर साइड में लगाना है, आउटर साइड, आउटर, हाँ ठीक है, बाहर की तरफ लेप करना है, बाहर बाहर लेप करना, ठीक है। अभी ना नेजल वॉश कितनी बार करना पड़ता है मैडम? एक ही बार करिए, मैं तो एक ही बार कराती हूँ। एक बार। और मैम ये लेप के जो घटक है वो संभाग लेना है सबको?
मैडम उसका गंध निकालना है ना, तो आप एक बार उसमें आपको देखना पड़ेगा, सॉल्ट ज्यादा तेज होती है तो सॉल्ट को कम घिसिए, पुनर्नवा नॉर्मल होती है, बाकी आमा हल्दी भी सहन कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट है। आकांक्षा मैम इसको लिख दीजिए ग्रुप में। जी सर, ओके ओके सर, ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, कर्म कृपा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई शांति पाठ करना चाहता है तो कर दीजिए। मनीषा सिंह मैम आप करेंगी? पवन जी तो नहीं है, मनीषा सिंह मैम आप कर दीजिए, फिर सेशन बंद करते हैं। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, करिए। गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दो शांति अंतरिक्षगम शांति ही पृथ्वी शांति रापह शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। जी अब हम सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।